छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। वहीं बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर कांग्रेस से बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं का फल है। एमके न्यूज संवाददाता शुभ सेठ से उन्होंने खास बातचीत की है। सांसद मोहन मंडावी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कहा कि पीएम मोदी जल्द ही इस पर फैसला करेंगे और तस्वीरें साफ हो जाएगी। लोकसभा सांसद मोहन मंडावी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। छत्तीसगढ़ में आपकी जीत, सबसे पहले आपको उसके लिए बताई, कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई या बीजेपी की जीत, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कर्म प्रधान इस पर रखा जिस कर फल चाहता है, जैसे आदमी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। ये भूपेश बघेल का अत्याचार जो 5 साल तक के और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी करके जनता को भ्रमित किए, बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुआ। हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जनों जात धर्मांतरण कर रहे थे, एक दबाव बना हुआ था। अब धर्मांतरण के खिलाफ कोई बोलते थे उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई, मार पीट होता था, इसलिए जनता बड़े प्रताड़ित थे। लोग सोचते थे कि मोदी के अलावा और कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए मोदी जी को ही पूरे क्षेत्र की जनता चुने, अधिकांशतः ट्राइबल क्षेत्र। और ट्राइबल क्षेत्र में भी समाज का सर्व आदिवासी समाज का संरक्षक हूँ प्रदेश का। हम लोग भी विचार करते थे कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा धर्मांतरण को रोकने वाला नहीं। आज धर्म और राजनीति को एक करके हमारे मोदी जी चल रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते थे धर्म और राजनीति अलग होना चाहिए। अरे जो शाश्वत सत्य है वो धर्म है। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई, निज दुख गिरी सब रज कर जाना, मित्र को दुख रज मेरु समान। दूसरा का दुख सब माने दूसरा का दुख को अपना दुख समझे, यही तो धर्म है। गांधी जी भी कहते थे धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म विहीन राजनीति एक मृत शरीर के समान है जिसे त्याग देने में श्रेष्ठ करें। आज मोदी जी धर्म और राजनीति को लेकर चले, आज विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर बन रहा है, ये भी जिताने के लिए बहुत बड़े योगदान है। क्षेत्र में जनता को आमंत्रित किए कि राम मंदिर के लिए सब आमंत्रित हैं, आप आइए, ये भी बहुत प्रभाव पड़ा। एक दूसरे सब चर्चा करते हैं, आपको मोदी ने आमंत्रित किए हैं और काम भी किए हैं। 9 साल में जो काम हुआ है, अब तक के कोई काम नहीं हुआ था, ये काम हुआ है। जैसे मेरे क्षेत्र में मेरे माध्यम से रेल लाइन जुड़ा, पहले बार मेडिकल कॉलेज हुआ, अठट एकलव्य खुला, 15-15 करोड़ दल्ली राजहरा बालोद गुंडरदई 15-15 करोड़ रुपया उसके लिए मिला। भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली के लिए रेलवे स्वीकृत हुआ, अब सीधा हमारे भानु प्रतापपुर से जगदलपुर रेल लाइन जाएगी, इधर धमतरी से नगरी होते हुए बांसकोट कुंडागांव होते हुए जगदलपुर जाएगी। ये पहले बार केंद्र से इतना काम हुआ, लेकिन राज्य से कुछ भी काम नहीं हुआ जो याद करने लायक। मुख्यमंत्री के लिए तो हमारे पास कई कैंडिडेट हैं, लेकिन अब मोदी जी की झोली में किसका नाम है नहीं, वही है, वही जो राम रची राखा कोकर तर्क बढ़ाव साखा। अब मोदी जी किसका नाम प्रपोज करते हैं ये कुछ दिन में ये छाया हट जाएगा, पता चल जाएगा कौन बनेगा। बात करने के लिए लोकसभा से सांसद मोहन मंडावी जी, एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से। शुक्रिया।